really, really, really special for me because it's a very, very different subject. And in Marathi, we have actually we have a dearth of subjects, and there are so many different kinds of movies which are coming. And my last film was Rajwadi and Sons, and one before that was National Award winner Yellow. And this time, it's a very, very different subject. There are two love stories intermingled into each other, and I believe on the basis of relationship, it's a futuristic film. So I'm really looking forward how people are going to receive this, and I'm happy that there is a buzz about this. I play a professor called Meera, who is a divorcee, and she's a single parent. And she and her daughter, they have a special bond with each other, and she falls in love for the second time. And the story revolves around her and her daughter, how she tells her daughter about her new love, and how her daughter reacts to the whole scenario. So it's a very, very different, very tender and very soft film, and it has been shot like that. So people have really liked the promos and the songs, and I hope, I'm quite sure they're going to like it. How much different for you to work with the new one? See, nowadays these young actors are very, very competitive, and I knew them before. Well, I've worked with them, so it was not something which was very, very new for me, but it was a very good experience. And all four of us are serious actors, and but the film is not serious, so we had fun on the sets, and I believe we have done well. हम हमेशा कहते हैं कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तो एंड के बाद क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि एंड के बाद इस लाइन के बाद तो कहानी ख़त्म ही होती है, लेकिन हमारी कहानी इस लाइन के बाद शुरू होती है. और हम हमेशा हर फिल्म के बारे में बोलते हैं कि ये फिल्म हटके, ये फिल्म हटके. तो मेरे प्रोड्यूसर ने सोच लिया कि यही नाम रख देते हैं. तो दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ रवि जाधव. आई ऑलवेज से इट्स अ मिडास टच. सो द फिल्म इज़ कॉल्ड एंड ज़रा हटके. It's a family film, but you'll remember a lot of Khatta Meethas and Golmaals and that kinds of Basu Chatterjee films. So it's a family film, it's a fun film, but still it deals with emotions of both the pairs. ये आपको क्या क्यों अट्रैक्ट करेगी ये तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. राइट नाउ आई सिंसियरली अपील टू यू दैट इट्स अ रियली हटके फिल्म एंड प्लीज वॉच इट. बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये जो हटके फिल्म है, जैसे नाम है, हमने सोचा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी फिल्म हटके है, हमारी फिल्म हटके है, तो हमने नाम ही उसका नाम दे दिया एंड जगह हटके. बहुत अलग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और एक भाई और बहन की एक स्टोरी है. एंड एक्साइटमेंट काफ़ी है बिकॉज मराठी फिल्म आर डूइंग वेरी वेल नाउ, एंड काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं, काफ़ी अलग अलग डायरेक्टर्स अपने अलग अलग स्टोरीज बता रहे हैं. And I'm sure ये फिल्म लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी. आई थिंक काफ़ी सारे हटके मोमेंट्स मुझे पर्सनली लगे. मुझे पर्सनली लगा कि ये अहेड ऑफ टाइम फिल्म है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी तक आया नहीं है कि आपके आपकी माँ सेकेंड शादी करना चाहती है, आपके जो फादर है वो भी एक सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, और उस टाइम वो भाई बहन पर क्या बीतती है. ये मुझे लगता है हमारे आजू बाजू में ये अभी बढ़ रहा है काफ़ी, और उसका हम सामना कैसे करें, उसको कैसे फेस करें, और उसको कैसे हंस के फेस करें इस सिचुएशन को, इस पे ये फिल्म है. मुझे लगता है ये जेन्युइनली हटके है, क्योंकि मराठी में इस सब्जेक्ट पे अब तक फिल्म नहीं आई. मुझे हमेशा सिंपलिसिटी बहुत पसंद है, कि फिल्म की स्टोरी काफ़ी सिंपल हो,
लेकिन वो काफ़ी लोगों को छुए, लोगों को लगे कि यस ये अपने साथ भी हो सकता है। और ये फिल्म मुझे वैसे ही लगी, इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल थी बट उसको शूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। काफ़ी वो वैसे होता है कि हमको अपने आजू बाजू में काफ़ी जो घटनाएँ घटती है लगती है काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एंड जवाहर की स्टोरी ऐसी ही है जो हमको लगता है कि अरे ये तो हो सकता है बट जब अपने साथ हुए तो क्या होगा। और आई थिंक आई एम 100% श्योर कि ऑडियंस इस फिल्म को काफ़ी लाइक करेगी। थैंक यू। करना चाहूँगी कंटेंट के ऊपर ही करना चाहती हूँ और मुझे ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब प्रकाश कुंटे आए थे मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके एंड आई थॉट ये बहुत रूटेड है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो हमारे आजू बाजू अगर हो रहा है तो कनेक्शन बहुत ही जल्दी होता है क्योंकि ये हमारी हर पड़ोसी की कहानी हो सकती है, हर हमारी कहानी हो सकती है। दैट ऑलवेज सेकेंड, इट्स अबाउट अ सेकेंड चांस, इमोशंस, लव, बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। सो आई लाइक मेकिंग सच रूटेड फिल्म। तो ये भी ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है और इट्स मराठी का सेकेंड स्टेप ले रही हूँ। फुंत्रू मेरी पहली पिक्चर थी और अभी मैंने ये प्रोड्यूस किया है तो देखिए कैसे ऑडियंस को पसंद आता है क्योंकि मैं तो चाहूँगी कि जैसे हमारी पिक्चर वो हमेशा प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, जब ट्रेलर जैसे ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है तो यही चाहूँगी कि पिक्चर को भी ऐसे ही रिस्पांस मिले जैसे ट्रेलर को मिला है क्योंकि ट्रेलर ही पहले बता देता है कि आपको अगर ये पिक्चर पसंद आई कि नहीं आई। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है तो पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव सेट लेके जा रही हूँ कि और क्रॉसिंग माय फिंगर्स कि लोगों को ये कहानी बहुत अच्छा लगे। पार्डन मी, एक दिन हाँ कहना चाहूँगी कि ऑडियंस को ये पिक्चर देखे क्योंकि ये सबको पसंद आएगी। इट्स नॉट नॉट ओनली मराठी लोग को बट बाकी के लोग भी आजकल देखते हैं अच्छा कॉन्सेप्ट अगर होता है तो सिर्फ मराठी लोग नहीं हमारे बॉलीवुड लोग भी देखते हैं या जो भी थोड़ा बहुत क्योंकि इस पिक्चर में आपको मराठी, हिंदी और हल्का सा बंगाली, इंग्लिश, ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज। सो इट्स वेरी सिंपल फिल्म फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। So just hoping that everyone goes and watches because
I'm sure, because we all are simple from inside and simplicity connects more faster. So yes. बच्चों की फिल्म बनाती क्योंकि उनके इनोसेंस से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इफ द कंटेंट नीड्स, अगर कंटेंट की ज़रूरत है कि छोटी बच्ची हो. और बजरंगी भाईजान में तो ब्यूटीफुल बच्ची थी जो बिना बोले सबका मन, शी कैप्चर्ड एवरीबडीज हार्ट. सो आई वुड से कि हर कंटेंट के ऊपर है. और ये छोटी इस पिक्चर में आप बहुत अनोखी बात है कि एक बंगाली एक्टर जो मराठी में काम कर रहा है, जिसको एक वर्ड मराठी नहीं आती, ना मुझे भी आती है, थोड़ी बहुत तभी समझ लेती हूँ हल्का हल्का, लेकिन वो क्यों आएगा, क्यों चाहेगा इंद्रनील गुप्ता, क्योंकि वो कंटेंट इतना अच्छा है कि एक बंगाली एक्टर रेडी है आने को. और सुबोध सिद्धार्थ मेनन एंड शिवानी इज प्लेइंग, वो नए हैं लेकिन बहुत एफर्टलेसली काम किया है. एंड मृणाल डजंट नीड इंट्रोडक्शन, शी इज़ अ सुपरस्टार इन मराठी फिल्म्स. सो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अलग है. और यही चाहूँगी कि सब लोग आके देखें ये पिक्चर. ये तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि ऑडियंस आके देखे, बट ऑलवेज होप इज़ ऑलवेज बेटर. सो होपिंग दैट एवरीबडी कम्स एंड वॉचेस इट. कबाली नहीं अभी देखा नहीं, क्योंकि मैं फिल्म प्रमोशंस में बिजी थी. अब मैंने कल ही ट्रेलर लॉन्च किया है हैप्पी भाग जाएगी की, तो उसमें बिजी थी. और वो भी कपिल शो में किया फर्स्ट टाइम, जैसे ये अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग ने शुरू किया है. आई एम श्योर बहुत जन फॉलो करने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हमने की है. थैंक यू.